नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। घोड़ारा गांव में नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दुबार बलिया क्षेत्र के घोड़ारा स्थित मिडिल स्कूल परिसर में निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य प्रेम प्रकाश सिंह पिंटू एवं समाज सेवी अक्षय कुमार सिंह के सौजन्य से नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों का नेत्र परीक्षण कर निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। शिविर में मोतियाबिंद के लगभग 50 मरीजों को चिन्हित कर ऑपरेशन एवं एम्बुलेंस प्रत्यारोपण कराने का परामर्श दिया गया। बताया गया कि प्रेम प्रकाश सिंह पिंटू एवं समाज सेवी अक्षय कुमार सिंह के तत्वाधान में मोतियाबिंद के चिन्हित मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन कर लेंस प्रत्यारोपण दवा एवं चश्मे का वितरण किया जाएगा। इस मौके पर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धनी शंकर सिंह ने बताया कि बदलते मौसम में लापरवाही के कारण आंखों में विभिन्न प्रकार के संक्रमण एवं कंजक्टिवाइटिस आदि रोग हो जाता है। समय अनुसार आंखों का परीक्षण नहीं कराने पर आंखों के अंदर पलकों, कॉर्निया, रेटिना, ऑप्टिक तंत्रिका एवं आंखों की रक्त वाहिकाओं आदि में विभिन्न प्रकार की बैक्टीरियल एवं वायरस के संक्रमण खतरा पैदा कर देते हैं। मैं अक्षय कुमार सिंह, मैं समाज सेवी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। निस्वार्थ सेवा भाव से जनता की सेवा करता हूँ, यह मेरा परमो धर्म, सेवा ही धर्म। आज किस प्रकार का शिविर लगा है? ये हमारे गांव में नेत्र से संबंधित बहुत ही पेशेंट, आज से करीब 15-20 रोज पहले 2-4 पेशेंट मेरे पास आए कि आँख से हमारी रोशनी नहीं दिख रही है, तो मैंने उनको तत्काल जिला अस्पताल अधीक्षक महोदय बीपी सिंह साहब के, जो नेत्र विशेषज्ञ हैं, उनके देख रेख में मैंने उपचार शुरू कराया, तो बोले कि ये ऑपरेशन योग्य है। मैंने उन लोगों का ऑपरेशन कराया और वो सफल रहा और वो लोग आज अपने नेत्र से पूरे समाज को देख रहे हैं, तो यह मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है कि मेरे थोड़े प्रयास से किसी का नेत्र, जैसे दान में सबसे बड़ा दान है नेत्र, तो मैंने नेत्र अपने थोड़े से प्रयास से उनको नेत्र सुलभ हो गया, वो रोशनी से जगमगा उठे। तो मैंने इस विकट समस्या के तह में गया तो पता लगा कि हमारे गांव में नेत्र से संबंधित बहुत से रोगी हैं। मैंने उनका सर्वे कराया, उस सर्वे के आधार पर मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सहयोग से उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। इसमें हमारे प्रेम प्रकाश सिंह पिंटू जी, जो कुल जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका भी विशेष सहयोग है, मैं उनका आभारी हूँ। और उन्होंने उनके और मेरे सार्थक प्रयास से यह नेत्र शिविर का आज 15 तारीख सोमवार को 11 बजे से यह कार्यक्रम शुरू हो गया है। और देखने से ये मालूम होता है कि हमारे गांव में नेत्र से संबंधित कितने रोगी हैं, यहाँ इतना भीड़। अभी तक कितना हो चुका है, कितना है अभी? अभी तक तो करीब 60-65 आदमी का नेत्र परीक्षण हो चुका है, जिसमें कि आधे आदमी का ऑपरेशन योग्य आँख है, मोतियाबिंद की शिकायत, और कम से कम 150 आदमी अभी लाइन में कतार में लगे हुए हैं। तो देखते हैं। और एक और खुशी की बात है कि चश्मा भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे, ऑपरेशन भी हम लोग कराएंगे, और सारी सुविधा हमारे सीएमओ साहब से वार्तालाप में हुई, उन्होंने कहा कि जितने भी ऑपरेशन योग्य होंगे पेशेंट, मैं उनको साधन भेजूंगा और साधन से ही उन लोगों को पुनः ऑपरेशन कराकर, और चश्मा जो हमारे पिंटू बाबू का वादा है, वो कहे हैं कि मैं चश्मा अपने स्तर से सुलभ कराऊंगा और उन लोगों को मैं अपने सुरक्षित घर पहुंचाऊंगा। जी, इस शिविर के माध्यम से जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं शिविर के माध्यम से जनता, मैं, मेरे पास तो धन नहीं है लेकिन मन है, बल है, तो मैं जनता की सेवा 24 आवर्स आकस्मिक सेवा, जैसे हॉस्पिटल में लिखा रहता है कास्ट, यहाँ जातिवाद नहीं, हमारे लिए इंसानियत प्रमुख है। इंसानियत जिंदा रहेगा तो समाज जिंदा रहेगा, इंसानियत जिस दिन मर जाएगा समाज उसी दिन मिट जाएगा, तो मैं इंसानियत को लेकर चलता हूँ। मैं धर्म और पंथ में विश्वास नहीं करता, और मैं चाहता हूँ कि हमसे जितना हो सके निस्वार्थ, जबकि चुनाव का माहौल है, मैं चुनाव के दृष्टिकोण से यह कार्यक्रम आयोजित नहीं किया हूँ, मैं इस गांव के दुख को मेरे थोड़े से प्रयास से अगर समस्या का समाधान होता है तो मैं इसके लिए जी जान निछावर कर सकता हूँ।
सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।